गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, समस्या समाधान के तरीके। हम अपने पिछले लेक्चर में ये देख चुके हैं कि समस्या समाधान कहते किसे हैं। समस्या समाधान से तात्पर्य ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं से है जिसमें व्यक्ति समस्या की खोज करके, उसका विश्लेषण करके उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करता है। यानी कि समस्या समाधान में सारे चरण आ जाते हैं। समस्या का चयन करना, समस्या की खोज करना, ये डिसाइड करना कि असल में समस्या है क्या, और इस बात का निर्णय लेना कि इस समस्या का समाधान करना है। इसके लिए वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम को समझता है, समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जाकर उसके बारे में खोज करता है, और उसके बाद उसके जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में मनन करता है, उनका विश्लेषण करता है, और अंत में वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित तरीके से कोई कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समस्या समाधान के दो स्टेप्स होते हैं, दो स्टेजेस होती हैं, समस्या समस्या निर्धारित करना और दूसरा समस्या समाधान, यानी कि समस्या समाधान असल में करना, ये सॉल्यूशन तक पहुंचना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज कहते किसे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी से मतलब ऐसी गतिविधि या बहुत सारी गतिविधियों के समूह को कहा जाता है जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से समस्या को समाप्त करना या कम करना होता है। यानी एक तरीके से ये ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो हम समस्या के समाधान के लिए यूज करते हैं। सबसे पहली समस्या समाधान स्ट्रैटेजी जो मुख्य रूप से यूज करी जाती है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम समस्या समाधान की ओर स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हैं। एल्गोरिदम में किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले सभी प्रकार की संभावनाओं को यूज करा जाता है, और इस वजह से ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम का ही यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने कुछ लेटर्स लिए हैं जिससे आपको करेक्ट वर्ड बनाना है। यदि एल्गोरिदम का यूज किया जाए इस शब्द बनाने के लिए तो कम से कम 907,208 संभावनाएं हैं अलग अलग शब्दों के निर्माण चेक करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि सारे जो वर्ड्स बनेंगे वो मीनिंगफुल होंगे, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन 907,208 बार बनाया जा सकता है। आप ये देखिए, ये कुल 9 लेटर्स हैं, सॉरी 10 लेटर्स हैं, और इससे इतनी सारी संभावनाएं पैदा होती हैं, और यही वजह है कि इसमें बहुत समय लगता है। यानी यदि एल्गोरिदम यूज किया जा रहा है तो समस्या समाधान के लिए आपको हो सकता है एक ही ट्रायल में भी सही समाधान मिल जाए, लेकिन इसके लिए काफी आपको एफर्ट भी करना पड़ सकता है। पर इस बात की गारंटी होती है कि एल्गोरिदम से हमेशा एक सही समाधान मिलता है। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं एल्गोरिदम की प्रोसेस को समझाने के लिए। जैसे पहला जो एल्गोरिदम हमने शो करा है उसमें हमने ये दिखाया है कि किस तरीके से डिसीजन पर पहुंचा जा रहा है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के हिसाब से एक मकान लेना है तो कौन सा मकान उन लोगों के लिए सही रहेगा, ये समस्या है। तो यदि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स यदि आपके 3 से ज़्यादा हैं तो अब कंडीशन ये देखी जा रही है कि क्या करना है।
नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 3 से ज्यादा है? नहीं। सैलरी 80,000 से ज्यादा है? नहीं। यदि वो मैरिड है? नहीं, तो 2 BHK ठीक है। और यदि वो मैरिड है तो 3 BHK मतलब 3 बेडरूम फ्लैट उसको चाहिए। अब वापस सैलरी 80,000 से ज्यादा है? यस, तो वो 4 BHK हाउस भी अफोर्ड कर सकता है। फिर ये दो डिसीजन हमारे हो गए कि यदि फैमिली मेंबर 3 से ज्यादा है में सैलरी और मैरिड है या नहीं, दो स्टेटस पे हमने डिसीजन लिया है। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 3 से ज्यादा है। हाँ, वो मैरिड है? नहीं। सैलरी 40,000 से ज्यादा है? हाँ। हाँ, तो क्योंकि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 3 से कम है तो 2 BHK फ्लैट भी काफी है। और यदि सैलरी 40,000 से कम है तो उसको 1 BHK फ्लैट लेना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि फिर दोबारा से हम ये देखते हैं, मतलब ये इस तरीके से आपको सारी कंडीशंस देखते हुए, सारी सिचुएशंस देखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और सिंपलेस्ट एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया है कि आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको किस तरीके से एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट फिल कैटल, ये इंडियन तरीके से चाय नहीं बन रही है, ये इंग्लिश मेथड है टी मेकिंग का। तो स्टार्ट फिल कैटल, पानी भरिए, बॉयल द वाटर, फिर कप लाइए, कप में टी बैग रखिए, पोर बॉइलिंग वाटर, उस पर गर्म पानी डालिए, टेक टी बैग आउट ऑफ कप। ये एक क्रम से हम चल रहे हैं, एक सिस्टमेटिक, इसमें कोई भी क्रम यदि आप तोड़ेंगे तो चाय शायद वैसी नहीं बनेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऐड शुगर, शुगर नहीं लेनी तो अब नेक्स्ट आ जाएगा ऐड मिल्क, नहीं तो ओके। फिर वो पानी में जो टी बैग डाला है उसी से आपकी टी रेडी हो गई है। लेकिन यदि ऐड शुगर, यदि शुगर ऐड की है, देन स्टिर इन शुगर, अच्छे से उसको मिलाइए, देन ऐड मिल्क। अब इसमें भी चॉइस है कि शुगर डालने के बाद भी क्या आपको मिल्क ऐड करना है, नो, देन पोर इन मिल्क, तो अब चाय रेडी हुई। तो इस तरीके से आपको एल्गोरिदम फॉलो करते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए, गारंटी है कि पानी से चाय बनेगी यदि आप एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यदि ये तो बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन है जिसमें आप एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाया। और जब हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रेटेजी आती है वो है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक एक ऐसी मेंटल स्ट्रेटजी है जिसमें हम एक समाधान चुन लेते हैं, लेकिन ये समाधान हमेशा काम करेगा हर सिचुएशन में, ये जरूरी नहीं होता। यह एल्गोरिदम, जैसे कि एल्गोरिदम की भांति ह्यूरिस्टिक हमेशा एक सही समाधान की गारंटी नहीं देती। हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम एक समाधान का चयन कर लेते हैं और उसी दिशा में काम करते हैं, लेकिन ये समाधान हमेशा उस समस्या के लिए सही होगा या एक्चुअली समस्या सुलझेगी नहीं सुलझेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। पर एक बात है कि जो ह्यूरिस्टिक है वो व्यक्ति को समस्या को सरलीकृत करने में मदद करती है। इसको यूज करते हुए व्यक्ति अपनी समस्या को सरल तरीके से सुलझा सकता है। और जैसे कि हमने एल्गोरिदम में देखा कि हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम उसको मोर मैनेजेबल हम रख सकते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से समस्या के समाधानों का चयन कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ह्यूरिस्टिक किन सिचुएशंस में यूज करी जाती है, किन सिचुएशंस में ह्यूरिस्टिक का यूज करना सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं, ह्यूरिस्टिक को हिंदी में कहा जाता है व्यू रचना, व्यू रचना। तो व्यू रचना
यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक चक्रव्यूह सा बनाना जिसमें समाधान फंस भी सकता है और नहीं भी फंस सकता, लाइक दैट। तो हम ये कह रहे थे कि समस्या समाधान में कौन सम जब हम ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हैं तो किन सिचुएशंस में ये अप्रोप्रिएट रहता है। तो पहली चीज है कि जब हमें पता नहीं होता कि इस समस्या का क्या समाधान है, और ऐसा तब होता है जब हमारी समस्या ही स्पष्ट ना हो, या जो हमें डेटा अवेलेबल है समस्या के समाधान के लिए उसमें एम्बिगुइटी हो, वो स्पष्ट ना हो। यानी दोनों ही कंडीशन है, या समस्या स्पष्ट नहीं है, या जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है वो स्पष्ट नहीं है। तो जब हमें समस्या ही स्पष्ट नहीं है तो एक तरीके से हमें तुक्के ही लगाने हैं और हमें ह्यूरिस्टिक मेथड ही यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आती है वो है इनसफिशियंट एग्जैक्ट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें पता तो है कि क्या समस्या है, लेकिन हमें उसके समाधान करने के तरीके नहीं पता, और हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हर एक तरीके जो भी दूसरों से हमें पता चल रहे हैं उसको हम अप्लाई कर सकें। जैसे इसका एक एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं चेस गेम। चेस गेम में आपको सामने वाले की चाल का भी अंदाजा नहीं होता, और आपको ये भी नहीं पता आखिर आपकी चलने वाली चाल का आगे वो क्या जवाब देगा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जिसमें ह्यूरिस्टिक यूज किया जाता है। वैसे तो ह्यूरिस्टिक के कई विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मेन मेथड्स, कॉमनली यूज होने वाले मेथड्स को डिस्कस किया है। सबसे पहला जो मेथड है हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग मेथड यानी जैसे हम एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, और पहाड़ी पर चढ़ने का तरीका ये होता है कि आप दाएं बाएं नीचे देखे बगैर एक तरफ ऊपर की ओर चलते जाएं। यदि आप दाएं बाएं देखेंगे तो ये आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करेगा, और आपको पीछे भी नहीं उतरना है, क्योंकि पीछे उतरने से तो फिर आप नीचे की तरफ जाने लग जाएंगे। तो हिल क्लाइंबिंग जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसमें आप धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और इसमें आप पीछे नहीं हटते। आपको जो भी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जो भी मेथड आपको पता है, उसको यूज करते हुए आप धीरे धीरे समस्या समाधान की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप गूगल मैप के सहायता से और रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपने मैप में देख लिया और आपको किसी से पूछना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक जगह पर जाके आपको पता चलता है कि आपका जो व्हीकल है वो उस गली में से नहीं निकल सकता। इस तरीके की प्रॉब्लम इस मेथड में आती है, क्योंकि आप अपने सॉल्यूशन के जो और ऑप्शंस हैं उस पर आप नजर नहीं डाल रहे। फिर दूसरा मेथड आ जाता है सब गोल्स। सब गोल्स मतलब अपनी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेना, समस्या के हिस्से कर लेना, और अलग अलग हिस्से को अपने ढंग से उसको वन बाय वन करके आप सुलझाएंगे। तो धीरे धीरे सारे हिस्से सुलझ जाने पर आपकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो सब गोल्स में जब कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, तब उसमें छोटी छोटी समस्याओं को आप अलग कर लेते हैं तो वो ज्यादा मैनेजेबल हो जाती है। इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ले सकते हैं परिवार में होने वाले झगड़े। जैसे अब परिवार में कई मेंबर्स हैं, आप झगड़े को नहीं सुलझा सकते, तो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप वन बाय वन सारे फैमिली मेंबर्स को जाके उनकी बात सुने और उनको फिर कन्विंस करने की कोशिश करें। जब सभी लोग कन्विंस हो जाएंगे तो फिर आपकी वो समस्या, जो झगड़े वाली समस्या है, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। फिर तीसरा मेथड जो हमने लिया है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस का तात्पर्य है कि आप जो आपकी करंट सिचुएशन है, जो अभी आप जिस स्थिति में हैं, और आपको जो गोल प्राप्त करना है, जो उद्देश्य प्राप्त करना है,
उसके बीच का जो गैप है उसको किसी तरीके से आप उसको कम करें। और ये तरीका क्या रहेगा कि आप सीधे जो आपकी प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हैं, और इसके बीच में आने वाले जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो जो लक्ष्य प्राप्ति है वो हो जाती है, और जो बाकी जो प्रॉब्लम्स बीच में आ रही हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको आप इग्नोर करके आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति जो है वो आपके लिए मुख्य होती है। जैसे इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि कोई आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो अल्टीमेट गोल है उस कंपटीशन में सक्सेसफुल होना है, और इसके लिए आपके कई प्रकार की बाधाएं बीच में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप समय पे सो नहीं पाते या आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप एनी हाउ उन चीजों को इग्नोर करके जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें असाइड करके आप जो लगातार निरंतर अपनी गोल प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो इसको हम मींस एंड एनालिसिस मेथड के अंदर रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी जो ह्यूरिस्टिक मेथड में यूज करी जाती है वो है वर्किंग बैकवर्ड। वर्किंग बैकवर्ड का मतलब उल्टा चलना। उल्टा चलना मतलब कि आप जब इसको आप इज्यूम भी कर सकते हैं और ये एक्चुअल कंडीशन में भी आपके अप्लाई हो सकती है कि जो आपका डिजायर्ड गोल है, जो चीज जहाँ जो आपको प्राप्त करना है, उससे आप मूल स्थिति में वापस आते हैं, यानी जबकि आपके सामने प्रॉब्लम है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो भूल भुलैया लर्निंग जो होती है, मेज लर्निंग जो होती है, या बच्चों की पजल्स आती हैं जिसमें रास्ता खोजो, किसी एनिमल को, किसी क्रेचर को उसके गुफा तक पहुंचाना है या जो कुछ उसको प्राप्त करना है वहां तक पहुंचाना है, तो हम उस पहेली में बाहर से अंदर की ओर मार्किंग स्टार्ट करते हैं, और इससे हम आसानी से उस रास्ते को खोज लेते हैं जो हमें एनिमल को फूड तक पहुंचाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम गोल से और एग्जिस्टिंग कंडीशन की ओर चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक्चुअली ये काम करेंगे, हम इसको इमेजिनरी लेवल पर काम करके और फिर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो समस्या समाधान में यूज किया जाता है, सिंपलेस्ट मेथड है, और हम इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, प्रयत्न तथा भूल विधि। आप पहले प्रयत्न तथा भूल विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं प्रयत्न तथा भूल विधि किसे कहा जाता है, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें हम किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार काम करते हैं, और जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को अगले प्रयास में इम्प्रूव करते हैं, और जो स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही उनको अगले प्रयास में यूज नहीं करते, और जो स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं उनको यूज करते हैं। धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रैटेजी है लिमिटेड टू राइट ऑप्शंस तक रुक जाती हैं, और फिर हम समस्या का समाधान कर पाते हैं। यानी कि प्रयास एवं भूल विधि में, प्रयास एवं त्रुटि विधि में हम समाधान के बहुत सारे ऑप्शंस को यूज करते हैं और उन ऑप्शंस को रूल आउट कर देते हैं, उन ऑप्शंस को हटा देते हैं जो कि कामयाब नहीं है। इसको हम रैंडम सर्च स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। मतलब हम ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली हमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीज काम करेगी। इट कैन बी सिस्टमैटिक रैंडम सर्च, यानी हम ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्स गलत था और कौन सा सही था। और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रैंडम सर्च, जिसमें आप कोई रिकॉर्ड
नहीं रख रहे हैं, आप कोई चीज ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसका एक अच्छे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हमारे पास एक चाबी का गुच्छा है जिसमें बहुत सारी चाबियां हैं और हमें एक लॉक खोलना है। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम अंदाजे से ये वाली चाबी लगेगी, ये वाली चाबी लगेगी, इस तरीके से चेक करते जाएं। पर इसमें बहुत चांसेस ऐसे रहते हैं कि वही चाबी दोबारा से हमारे हाथ में आ जाए। तो ये जो है, ये है अनसिस्टमेटिक रैंडम सर्च। लेकिन जब हम ये ध्यान रखते हैं, हम एक सिरे से स्टार्ट करते हैं गुच्छे के, और उस चाबी को फिर दोबारा से यूज नहीं करते, तो ये जो है, इसे हम सिस्टमैटिक रैंडम सर्च कहेंगे। ये अप्रोच जो है, ट्रायल एंड एरर मेथड की जो सर्च स्ट्रेटेजी है, जब हमारे पास थोड़े से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस समय के लिए बहुत यूजफुल मेथड है। जैसे मेरी चाबी में कुल मेरे पास कुल 5 या 6 चाबी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे सर्च करने में कि कितनी कौन सी चाबी जो है इस ताले में लगेगी। लेकिन यदि मेरी डिफरेंट चॉइसेस है, मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं, तो मुझे चाबी ढूंढने के लिए कोई दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। ट्रायल एंड एरर मेथड उसके लिए सही तरीका नहीं है। अब आप बोलोगे कि एक गुच्छे में कितनी चाबी आ सकती है, लेकिन मेरे पास कई गुच्छे भी तो हो सकते हैं और उसमें से मुझे ताले की चाबी ढूंढनी है, तो उसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड सही मेथड नहीं है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी यूज करी जाती है वो है इनसाइट। इनसाइट एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है और वो सही होता है। तो इसको इनसाइट कहा जाता है, और इट इज जस्ट फॉर बिकॉज ऑफ योर अवेयरनेस, योर इंफॉर्मेशन, योर एक्सपीरियंस। यदि आपको पहले से उस चीज के बारे में जानकारी है और आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो आपके आप इनसाइट यूज कर लेते हैं। जैसे हम तुक्का भी कह सकते हैं, जो तीर की तरह लगता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। समस्या समाधान के लिए इनसाइट बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती, बस बाय चांस होती है, और ये आपकी अवेयरनेस के कारण होती है। और इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज और आ जाती है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। यानी जब आपके पास पहले से उस समस्या के बारे में जानकारी है कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान होगा, तब आप आसानी से उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।